खुद को अच्छा दिखाने के लिए युवा प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। जी हां, लखनऊ के युवा सुंदर दिखने के लिए लगातार प्लास्टिक सर्जरी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि लखनऊ के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आर के मिश्रा का कहना है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए उनके पास चलते हैं। आज की तारीख में हर जॉब की रिक्वायरमेंट हो गई है कि आपको क्वालिफाइड होने के साथ साथ देखने में भी उस तरह से खूबसूरत होना चाहिए, चाहे वो होटल बिजनेस का काम हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी का काम हो, चाहे वो फ्रंट डेस्क का काम हो, चाहे एयरलाइंस के लिए हो, इवन गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट, हर जगह पर जो वही लोग आते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनकी शक्ल सूरत भी खूबसूरत होती है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ में कम्पीट करने के लिए हर एक आदमी को खूबसूरत दिखना ही है। तो जो भी लोग इस पर पैसे अपना इन्वेस्ट करते हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर में वो काम में आता है। सर, कितने केसेस आते होंगे, आपको एक साल की बात करें तो लगभग कितने आ जाते होंगे? देखिए, नंबर ऑफ केसेस अभी एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते क्योंकि एक जगह के केसेस से पूरे सिटी या पूरे प्रदेश का आइडिया लगाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आज से 10 साल पहले का कंपेयर करें तो उससे कम से कम 3 से 5 गुना केसेस से बढ़ गए हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा सर्जरीज जो होती है बेसिकली फेस से रिलेटेड होती है। जैसे उसमें भी अगर देखें तो सबसे कॉमन सर्जरी है नाक को ठीक कराना, होंठ को ठीक कराना, गाल को ठीक कराना और अपनी ठुड्डी को ठीक कराना, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उनकी नाक थोड़ी पतली हो, शार्प हो, देखने में सुंदर लगे, होंठ प्रोमिनेंट होने चाहिए, चिन प्रोमिनेंट होनी चाहिए। और पहले के ज़माने की तरह अब लोग गोल चेहरा नहीं चाहते, अब लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पोर्टी लुकिंग या थोड़ा सा स्लिम टाइप का चेहरा हो, तो इसलिए बक्कल फैट पैट की भी सर्जरी लोग कराते हैं जिससे वो स्लिम दिखाई पड़े। इसके अलावा भी अपनी बॉडी को लेकर के भी लोग कॉन्शस हैं, तो लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट की सर्जरी, ब्रेस्ट की कॉस्मेटिक सर्जरी, इन सब चीज़ों को कराने के लिए भी लोग काफ़ी आते हैं। सर, लगभग कितनी कॉस्ट आती होगी? हर सर्जरी की कॉस्ट अलग अलग होती है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी सर्जरी पर्सन ऑप्ट करता है। जैसे लिप की सर्जरी या चीक की सर्जरी मैंने बताई, वो सस्ती होती है, वो करीब करीब 40 से 50 हज़ार रुपये में हो जाती है। और नोज़ की सर्जरी या चिन की सर्जरी होती है या कुछ बॉडी कंटूरिंग की सर्जरी होती है, उन सब के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए तक के आसपास खर्चे होते हैं। फिर भी अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में इसी कॉस्मेटिक सर्जरी की कॉस्ट दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर इन सब की अपेक्षा अभी भी 1/4 रेट पर होता है, क्योंकि इन्हीं सब सारी सर्जरीज की कीमत जो अगर यहाँ 50 हज़ार लग रहा है तो दिल्ली में उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख होती है। जो यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए में हो रहा है, दिल्ली में 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो यूपी में अभी भी इसके रेट काफ़ी कम है मेडिकल ट्रीटमेंट के। सर, लोगों के अंदर ये भी गलतफहमी है कि बहुत पेनफुल होती है ये सर्जरी, होती है नहीं? देखिए, एक इंजेक्शन भी लोगों को, वैक्सीन लगी होगी तो उसमें भी लोग कहते हैं थोड़ा सा पेन होता है, तो कोई भी सर्जरी होगी हल्का फुल्का तो पेन होगा, लेकिन पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो लोग करा के जाते हैं उन्होंने कभी भी पेन की कंप्लेंट नहीं, क्योंकि पेन किलर्स दवाएं अच्छी होती हैं। हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट हर चीज़ में होता है, बट प्रिकॉशंस भी देने पड़ते हैं लाइफ टाइम अगर आपने सर्जरी कराई तो? देखिए, लाइफ टाइम में कोई खास प्रिकॉशन नहीं लेने पड़ते हैं, लेकिन हाँ, शुरुआती दौर पर थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशन, जैसे कुछ दवाएँ 4-5 दिनों के लिए खानी होती हैं, कभी कभी कुछ स्पेशल तरीके से मसाज करना होता है या धूप से बचना होता है, या फिर से चोट लग, जैसे नाक की सर्जरी करा के जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दरवाजे से चोट लग गई या हाथ उसके ऊपर रख करके आप लेट गए या कहीं जा करके बाइक से एक्सीडेंट कर दिया, तो कुछ टेम्परेरी पीरियड में 1-2 महीने के लिए कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं उनको लिया था, और एक बार ये चीज़ हो गया तो वो लाइफ लॉन्ग परमानेंट होता है। कितने घंटे लगते होंगे एक सर्जरी में? ये भी डिपेंड करता है किस टाइप की सर्जरी है। जैसे गाल वाली सर्जरी मैंने बताया, लिप की सर्जरी बताई, बहुत छोटी सर्जरी होती है, 1/2 घंटे 45 मिनट में हो जाती है। नाक की सर्जरी है, चिन की सर्जरी है, वो करीब करीब 2 से 2.5 घंटे का टाइम लेती है। ब्रेस्ट एंड बॉडी कंट्रोलिंग की सर्जरी वो करीब 2.5 से 3 घंटे का टाइम लेती है, लेकिन अमूमन देखा जाए तो 1 घंटे से 3 घंटे के अंदर ये सब सारी सर्जरी खत्म हो जाती है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज 18।